जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से बुढ़ापा पेंशन को लेकर के नई अपडेट फिर से आई है, जो कि अभी अभी बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए ना कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत है और ना किसी बिचौलिए को रुपए देने की। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत प्रदेश का कोई भी नागरिक 60 साल का हो जाए तो उसकी बुढ़ापा पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि दोबारा से शादी कर ली परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों की आय और अन्य जानकारी भी जांची जा रही है। अपात्र लोगों की पेंशन रोकी जा रही है, साथ ही जिन लोगों ने गलत तरीके से पेंशन ली है उसकी रिकवरी नीति भी बनाई जानी है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके संकेत दे चुके हैं, जल्द फिर से बढ़ेगी 250 रुपये बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन राशि जनवरी में फिर से बढ़ेगी। वहीं आपको बता दिया जाए कि अब संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की फिर से बढ़ोतरी का समय आ चुका है। तो दोस्तों जुड़े रहें आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहें आप सभी लोग एडी न्यूज़ से, एडी न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पर प्रेस करें। वहीं आपको दूसरी अपडेट ये है कि जिस जिला के आवेदक के पास दस्तावेज है उसे उसी जिला में आवेदक को पेंशन मिलेगी, जिससे आवेदक के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि दस्तावेज होने चाहिए। जिस जिले के ये दस्तावेज होंगे उसे उसी जिले के पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे ज़िले के दस्तावेज हैं और सुविधा लाभ दूसरे ज़िला से लिया जा सके, लेकिन डोमिसाइल 15 साल से ही होना चाहिए, यानी कि आपका निवास जो है वो 15 साल का ही होना चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहें।